नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज के रेस्टू काल दोस्तों मुझे आमा बुद्ध बाजार से मिला है और दोस्तों फाइनली उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं और ये चाचा जी के घर में सांप निकला है और ये चाचा जी हमें बुलाए कि हमारे घर में सांप दिखा है। चाचा जी पहले अपना नाम बताओ। कुंज बिहारी। और आप सांप कहाँ देखे हैं? चल कर बताइए सांप कहाँ है। चलिए दोस्तों अब फाइनली चलकर देखते हैं सांप कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कि सांप को मारा नहीं, बचा लिया। और आप सब देख सकते हैं दोस्तों वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है दोस्तों कि यहाँ पर सांप निकला है दोस्तों। और दोस्तों अब फाइनली चलकर देखते हैं सांप कहाँ पर है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों आप सब देख सकते हैं सांप। दोस्तों आप देख सकते हैं सांप मिल चुका है। और दोस्तों ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। और दोस्तों ये बिल के अंदर जा रहा था दोस्तों। फाइनली हम जगह पर पहुंच चुके हैं और सांप को दोस्तों रेस्क्यू कर लिया गया है। दोस्तों ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, काफ़ी ख़तरनाक सांप है दोस्तों। फाइनली हम इनको बाहर लेकर आते हैं। दोस्तों ये रसोई घर में सांप मिला है जहाँ पर खाना बनाते हैं। ऐसे में दोस्तों किसी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। देख सकते हैं दोस्तों काफी ब्राइट सांप है ये। दोस्तों ये आमा बाजार पड़ता है, बुद्ध बाजार। और दोस्तों इनको बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों सोचने और समझने का जरिया दोस्तों भगवान ने इंसानों में दे रखा है। मालिक ने हम सबको दिया है सोचने का समझने का जरिया, क्योंकि दोस्तों एक बेजुबान जानवर है, इसको पता नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों सांप को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। जहाँ कहीं सांप निकले दोस्तों तो आप हमें फ़ोन करिए, हम फौरन आएंगे सांप को रेस्क्यू करने के लिए। और दोस्तों ये बस्ती से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर ये आमा बुद्ध बाजार पड़ेगा और यहीं पर ये सांप मिला है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यही वो घर है, जस्ट इसके पीछे वाले बगल में जो कमरा है वहीं पर सांप ये मिला है। और दोस्तों ये चूहा और मेढक खाने के लिए दोस्तों घर में आ जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं दोस्तों, सांप को देखने के लिए। दोस्तों यही वो घर है जहाँ पर सांप मिला है दोस्तों। और ये दोस्तों आमा बुद्ध बाजार पड़ता है, आपको दिखा देते हैं दोस्तों। यही ये मार्केट है। और चलिए दोस्तों फन बिना समय गंवाए दोस्तों एक
और दोस्तों अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आप जिला हॉस्पिटल लेकर जाएं, किसी झाड़ फूँक के अफवाह में ना पड़े दोस्तों, नहीं दोस्तों आपकी जान जा सकती है। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। जहां कहीं से भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी दोस्तों, वर्ल्ड में कहीं से अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो एक छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ये सबको आपको वीडियो सब कैसा लगा दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती हो रहा है दोस्तों तो भी आप हमें बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अब चल फाइनली अब इनको हम बोरी में पैक करके दोस्तों अब इनको इनके वातावरण में हम रिलीज कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों आप सब नज़रें बनाए रखना, हम इनको फाइनली अब जंगल में रिलीज करेंगे, फिर आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को कहा था दोस्तों कि इनको फाइनली आज जंगल में रिलीज कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों फाइनली इनको हम जंगल में रिलीज कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं दोस्तों जिस सांप को हमने पकड़ा था, और फाइनली दोस्तों इनको हमने रिलीज कर दिया है इनके वातावरण में, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी जंडेल सांप है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों इनको हमने रिलीज कर दिया है इनके वातावरण में, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फाइनली इनको हमने इनके वातावरण में रिलीज कर दिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए। तब तक के लिए आप सब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।